महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल की दो छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले को लेकर मध्य प्रदेश शिवसेना ने राजधानी भोपाल के रंगमहल चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र के एक स्कूल में दो छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई। घटना के कई घंटों बाद तक पीड़ित बच्ची के परिजन शिकायत करने के लिए थाने में बैठे रहे, लेकिन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस घटना के विरोध में शिवसेना ने राजधानी भोपाल के रंग महल चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की। शिवसेना जिला अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने बताया कि अगर बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन करेंगे। आज शिवसेना भोपाल द्वारा महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। जिस तरीके से विगत कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, सरकार द्वारा उसकी अनहोनी गई। प्रशासन द्वारा 12 घंटे 15 घंटे उसको एफआईआर की रजिस्टर्ड करने के लिए कहीं ना कहीं इंतज़ार करवाना पड़ा। साथ में वहां पे कहीं ना कहीं जो साक्ष्य थे उसको छुपाने की कोशिश गई। उसके तीन दिन बाद महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में हो जाती है, नांगपाड़ा में रेप हो जाता है लड़की के साथ में। उसके बाद में महाराष्ट्र के मुंबई में रेप हो जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं महिलाओं को देख के महाराष्ट्र सरकार असंवेदनशील हो गई है। इसलिए शिवसेना मांग करती है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आज शिवसेना भोपाल द्वारा महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाया गया और साथ ही ये जो घटनाएं पिछले 15 दिनों में तीन इतनी बड़ी घटनाएं महाराष्ट्र में घटी हैं। 13 अगस्त को बदलापुर का केस सामने आता है जिसमें दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई या दुष्कर्म हुआ। न्याय मिलना तो दूर की बात है, उनको अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए भी भटकना पड़ा। 20 अगस्त को मुंबई के अकोला में केस सामने आया जिसमें 6 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और 22 अगस्त को मुंबई के नागपाड़ा में ही महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। महाराष्ट्र सरकार किस जगह नंबर वन होना चाहती है, महिला अपराध में नंबर वन हो गई है महाराष्ट्र सरकार। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।